तेजस्वी जी क्या बोलते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आपके अगर हाथ में घाव हो जाएगा तो घाव हाथ काट दीजिएगा क्या? लोग आज सड़क पर सुरक्षित महसूस करते हैं शराबबंदी के बाद से। अब उसमें कोई कहीं गड़बड़ी करता है तो वो पकड़ा भी जाता है और कार्रवाई भी होती है, लेकिन तेजस्वी जी को तो कुछ समझ में आता नहीं है। जब हम लोग के साथ थे तो क्या बोल रहे थे, शराबबंदी बड़ा बढ़िया है, अभी एक मिनट में उनको शराबबंदी खराब नजर आ रहा है। देखिए बिहार में शराबबंदी है और इसी बीच आज तेजस्वी यादव जो कि बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष है उनके द्वारा सोशल मीडिया पर ट्वीट किया गया और यह साफ कहा गया कि बिहार में जहरीली शराब से मौत नहीं हो रही है, जहरीली सरकार से मौत हो रही है। इसको लेकर जब हमने आज केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह से जब सवाल पूछा, लल्लन सिंह ने जमकर निशाना साधा है तेजस्वी यादव पर। देखिए लल्लन सिंह ने यह साफ कहा है कि जब हमारे साथ थे तो शराब बुरी चीज लगती थी, अब अच्छी लग रही है। ऐसे में लल्लन सिंह ने कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल उठाए शराबबंदी को देखते हुए। ऐसे में उनका यह साफ कहना है कि अगर हाथ पे या फिर शरीर पे घाव हो जाएगा तो कहीं ना कहीं क्या हाथ काट लीजिएगा, ऐसे में शराबबंदी को लेकर या फिर जो तमाम अनेक बातें हैं वो कहीं ना कहीं लल्लन सिंह ने कही है। वहीं क्या कुछ कह रहे लल्लन सिंह वो सुने आप लोग। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे उद्घाटन करके, वो चले गए, उनको और भी किसी कार्यक्रम में जाना था और बाकी अभी चलेगा। ड्रोन टेक्नोलॉजी को हम लोग यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं और उसको ट्रेन कर रहे हैं। पहले ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है कई दूसरे कामों में रहता था, अभी हम लोग उसको फिशरी के सेक्टर में, मछली उत्पादन के क्षेत्र में लगा रहे हैं ताकि फ्रेश जो फिशिंग होता है समुद्र से वो रेस्टोरेंट में पहुँचे, मछली के खाने का इंतज़ाम उसके ड्रोन के माध्यम से हो। आपदा की स्थिति में समुद्र में जब लोग मछुआरे फंस जाते हैं तो ड्रोन जो है वो सूचित करे, ये सारी टेक्नोलॉजी को हम लोग यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं और ये मछली उत्पादन के क्षेत्र में एक बहुत ही मील का पत्थर आगे आने वाले समय में साबित होगा। सर एक सीनियर आईएएस ऑफिसर को ईडी ने गिरफ्तार किया, वो अपना काम है जिसका कानून है इसको किस तरह से देखना, कानून अलग अलग विभाग है, जो विभाग है जिसके खिलाफ जो जैसा करनी वैसा भरनी। छोड़िए ना तेजस्वी जी क्या बोलते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आपके अगर हाथ में घाव हो जाएगा तो घाव हाथ काट दीजिएगा क्या? अरे शराबबंदी एक नीति है और उस नीति से आप सर्वे करके देख लीजिए बिहार में कितने ग्रामीण क्षेत्रों में लोग आज खुश हैं, दुर्घटनाओं में कमी आई, लोग आज सड़क पर सुरक्षित महसूस करते हैं शराबबंदी के बाद से। अब उसमें कोई कहीं गड़बड़ी करता है तो वो पकड़ा भी जाता है और कार्रवाई भी होती है, लेकिन तेजस्वी जी को तो कुछ समझ में आता नहीं है। जब हम लोग के साथ थे तो क्या बोल रहे थे, शराबबंदी बड़ा बढ़िया है, अभी एक के मिनट में उनको शराबबंदी खराब नजर आ रहा है। आप लोग करवा रहे हैं सरकार के द्वारा? अरे ये जब अभी हम लोग के साथ थे तो क्या बोल रहे थे, हम लोग के जब साथ थे कुछ दिन पहले तक तो क्या बोल रहे थे, अब अभी क्या बोल रहे थे? इसलिए छोड़ दीजिए, ये सब राजनीतिक कारणों से अपना बोलते रहते हैं, वो बोलते रहे, कानून अपना काम करेगा, सरकार अपनी काम करेगी। कांग्रेस के नेता, तो आपने सुन लिया केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह थे। देखिए आज देखा जाए तो पशुपालन विभाग के द्वारा बिहार में ड्रोन एक्सपो का आयोजन किया गया है, इसमें कहीं ना कहीं तमाम अनेक लोगों को प्रोत्साहन के तौर पर सरकार राशि भी दी है और ऐसे में इसको देखते हुए लल्लन सिंह ने क्या कुछ कहा है कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने को लेकर आपने सुना। इसके साथ ही लल्लन सिंह ने शराबबंदी कानून को देखते हुए तेजस्वी यादव को जमकर निशाने पर लिया है, वहीं लल्लन सिंह क्या कुछ करते आपने सुना है और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।